हेलो एवरीवन, दिस इज स्पेशल सेशन जो मैं ले रहा हूँ बिकॉज बच्चों की कंप्लेन आ रही थी, या फिर वो पूछ रहे थे मेरे से सर कि लाइक जब स्टडी में मन ना लगे तो क्या किया जाए, क्या किया जाए सो दैट इंटरेस्ट वापस से आ जाए। तो उसी के लेके मैं एक सेशन लेके आया हूँ अभी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने 24 आवर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। याद रहे, कोई भी इंसान भले ही वो टॉप पे पहुंचा हो, उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं, और जो नहीं पहुंच पाया हो टॉप पे, मतलब एवरेज पर्सन, उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं। हम कल क्या बनने वाले हैं वो डिसाइड होता है हमारे 24 आवर के स्केड्यूल पे। अगर आपने इस 24 आवर्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो डेफिनेटली जो आने वाला कल होगा वो काफ़ी ब्राइट होगा। तो अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हाउ वी आर मैनेजिंग आर 24 आवर्स। बिलीव मी, अगर आपको ये लग रहा होगा सर मैंने 24 आवर्स में आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 15 घंटे पढ़ाई कर ली, कल भी कर लिया, 3 दिन 4 दिन कर लिया, फिर भी कुछ आउटकम नहीं दिखा, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अभी स्टार्ट किया पढ़ाई और फिर कल परसों में आपको आउटपुट दिख जाए। दिस इज लॉन्ग टर्म। अगर आप आज 24 आवर्स को आप परफेक्टली यूटिलाइज कर रहे हो, तो आफ्टर 3 टू 4 ईयर्स, आफ्टर 3 टू 4 ईयर्स आपको इसका आउटपुट दिखेगा अच्छे से। तो आप ये जब आप स्टडी करने बैठेंगे तो आप ये मत सोचना कि आप प्रेजेंट को अभी अच्छा कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि आप आने वाले जो 2 3 साल के बाद जो टाइम आएगा उसको आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है, यही डिफरेंस होता है एक एवरेज पर्सन राइट और एक उस लेवल पे जो पहुंच जाते हैं उनमें। क्या डिफरेंस होता है सर? तो जो एवरेज होते हैं ना वो इंस्टेंट की बात करते हैं। आई थिंक सम इंटरनेट इश्यूज देयर, लेट मी जस्ट राइट। तो वंस अगेन द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आज जो भी आप करोगे, जो भी आज करोगे आप, वो इंस्टेंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट आने वाले 2 3 साल के बाद वो आपको रियलाइज होगा कि उस टाइम अगर अच्छा किया होता तो डेफिनेटली आज अच्छी जगह पे होते। तो मेन टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दिस 24 आवर्स राइट। उसके बाद ये होती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। दिस इज कॉमन। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप पढ़ने बैठ रहे हो और लाइक 1 घंटे 2 घंटे की स्टडी के बाद, या ड्यूरिंग दैट ऑल्सो आपका दिमाग में, आप पढ़ने बैठे और आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है, तो दिस इज नेचुरल फिनोमेना। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपके केस में ऐसा हो रहा है, ये कॉमन सी चीज़ होती है, सबके केस में होता है। तो आपको ये देखना है कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सके। देखो, 100% खत्म करना इज नॉट पॉसिबल, और एक बार आपने सोच लिया कि मुझे खत्म करना है और आपने खत्म कर दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। धीरे 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 आप इस चीज को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और इस इफेक्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं राइट। तो आपकी टेंडेंसी अब से ये होनी चाहिए कि जो जो चीजें आपको लग रही है कि ये हमारे डिस्ट्रेक्शन का पार्ट है, तो हम ट्राई ये करेंगे कि उसको मिनिमाइज करना है। सर ये तो सबको पता है मिनिमाइज करना है, तो कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स लेके मैं आया हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके वी कैन जस्ट मिनिमाइज दोज थिंग। हेलो अंशिका, कृष्णा राइट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम राइट। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। पहला कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग आर 24 आवर्स, एंड सेकेंड कैसे हम डिस्ट्रेक्शन को दूर करें। डिस्ट्रेक्शन आना इज अ कॉमन थिंग, सब में आता है। अब अगर आपने उसको अच्छे से यूज कर लिया, अच्छे से रिमूव करके पॉजिटिव वे में यूज कर लिया, तो आप उस टॉप पॉइंट तक पहुंचते हो। नहीं किया तो आप एवरेज पर्सन बन जाते हो। ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है राइट। तो पहली चीज ये है कि स्मॉल ब्रेक, जब भी आप कंटिन्यूस स्टडी करते हैं तो दिस इज वेरी 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 मस्ट थिंग कि आपको एक स्मॉल ब्रेक प्लान करना है। ये अगर आप लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम ब्रेक क्यों ले रहे हैं, आप ब्रेक बिल्कुल ले सकते हैं, बट इस ब्रेक में आपको एक स्मार्ट वे यूज करना है। स्मार्ट वे ये है कि वैसा कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो आपके लॉन्ग टर्म खराब करे। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि हम जब ब्रेक लेते हैं तो कभी कभी इच्छा होती है चलो यूट्यूब पे कुछ अच्छी चीज देख लेते हैं राइट, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं। आप ये नोटिस करना कि अगर आपने उस कॉमेडी वीडियो को चला दिया, भले ही वो वीडियो 1 घंटे का था, ठीक है, आपने तो बस 5 मिनट के चलाया, आपको अच्छा लगा, आपको उसको 10 मिनट कर दिया, 15 मिनट कर दिया, आपने पूरा 1 घंटा देख लिया, ठीक है, वहीं खत्म नहीं हुआ उसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हमारे जो दिमाग में आप चलेगा कि चलो ठीक है अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अब से आपको एक प्लान करना है कि जब आप ब्रेक लेंगे तो कुछ ऐसी चीजें ना करें जिससे कि जो 10 मिनट का ब्रेक था, मैक्सिमम 10 मिनट्स का ब्रेक प्लान करिए आप, बट कुछ ऐसी चीज ना करिए सो दैट कि 10 मिनट कब आधे घंटे बदल जाए और कब ये 1 घंटा हो जाए आपको पता ही ना लगे। तो ब्रेक प्लान करिए बट स्मॉलर, और ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज फोकस ऑन फ्यूचर प्लान। सेकेंड इज फोकस ऑन फ्यूचर प्लान राइट, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो प्रतिमा, कैसे हैं आप लोग? तो नेक्स्ट इज फोकस ऑन फ्यूचर प्लान। कभी भी जब आप ब्रेक लेंगे या दिन में एक बार जरूर आप बैठ के सोचना कि
आपका टारगेट है क्या, मतलब ये है कि आप जो स्टडी कर रहे हो, दिन रात स्टडी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो स्टडी, 2 घंटे 4 घंटे जितनी भी आप स्टडी कर रहे हो, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, लाइक आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हो, एक बार सोचना और उस वजह को ढूंढना कि जिसकी वजह से आप स्टडी कर रहे हो, डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे एंड देन स्लाइटली आप मोटिवेट होंगे टुवर्ड्स स्टडी के, राइट? तो आप डेफिनेटली स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. हेलो 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 या कविता, वेलकम, राइट? नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इंटरचेंज. ये भी काफी देखो, वो जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स है वो जनरल पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए. ये फैक्चुअल है कि अगर आपने सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया, जैसे मान लो अभी मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, राइट, बहुत पक गया फिजिक्स से, अब हो नहीं रहा, बिल्कुल क्वेश्चंस हो नहीं रहे, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज इंटरचेंज सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट को हटा के या फिर दूसरे सब्जेक्ट को ले आइए. इससे क्या होता है कि बिल्कुल जब आप नए सब्जेक्ट को लाते हैं, हमारी हमारा जो सिस्टम होता है, नई चीजें आते ही फिर वापस से आप रिफ्रेश हो जाते हो काइंड ऑफ, तो वहां पे आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, आप नई चीजों को स्टडी कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्या है, टाइम लिमिट स्टडी. ये आई मस्ट से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक जो आप स्टडी करते हो सकता है आपके पास टाइम लिमिट हो सकता है आपके पास टाइम लिमिट नहीं हो, आप सबसे पहले टाइम को लिमिट कर दीजिए कि आज के दिन में मुझे ये स्टडी करनी है, और इसके लिए टाइम आपने फिक्स कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, कि एक चैप्टर में उठा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स है ना, फिजिक्स का एक चैप्टर उठा लिया मैंने काइनेमेटिक्स, तो आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 4 घंटे में पूरे काइनेमेटिक्स को रिवाइज करना है, या आपने फिक्स कर दिया कि मुझे 3 घंटे में पूरे काइनेमेटिक्स को रिवाइज करना है, या फिर आपने फिक्स कर दिया कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मुझे 1 घंटे में इस काइनेमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस करने हैं. ये टारगेट आपको दिन के स्टार्टिंग में ही करना है और पूरे दिन उसको फॉलो करना है. वंस अगेन, जो दिन का रूटीन है वो आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग में डिसाइड कर लेना है, एंड देन उसको प्रॉपर फॉलो करना है विद टाइम, कि इस टाइम में 2 घंटे में मुझे खत्म करना है तो करना है. तो ये अपने रूटीन में डाल लीजिए कि अब से जो भी आप स्टडी करेंगे वो टाइम बाउंड करेंगे, टाइम फिक्स रहेगा, एंड देन आप उसको स्टडी करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है. एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप ले सकते हैं उतने एफर्ट में, राइट? आपने सबने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, राइट? उनका कहना यह था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों से आदतें को बदल ही सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी. तो इनका भी देखो, ये कहने का मतलब ये है कि दिस इज अबाउट लॉन्ग टर्म. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं तुरंत हमें आउटपुट मिल जाए, जैसे अभी स्टार्ट किया, 2 दिन स्टडी किया और हमें आउटपुट दिख जाए, ऐसा कभी नहीं होता. आप जो स्टडी करेंगे 2 साल 3 साल के बाद इसका एक्चुअल आउटपुट आपको दिखेगा, वहां पे आप रियलाइज करेंगे कि अगर आपने अभी अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया तो बाद में आपको रियलाइज होगा कि यस, आपने सही डिसीजन लिया था उस टाइम. और अगर आपने अभी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि उस टाइम अगर कर लेते तो शायद कहीं और होते. तो इसका मतलब ये है कि नीट का भी, जो नीट एग्जामिनेशन आपके या कोई भी एग्जामिनेशन है, इट्स नॉट लाइक 1 दिन 2 दिन में आप क्लियर कर पाएंगे, आपको कंटिन्यूस ही एफर्ट करना होगा तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे, ठीक है? एक फेमस, मैं अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट बताता हूँ, उन्होंने ये बताया कि मैं अच्छा छात्र नहीं बनूंगा. अब आप सोचेंगे ये क्या है सर, उनका कहना ये था कि मैं अच्छा छात्र नहीं बनूंगा तो क्या बनोगे, तो मैं सबसे अच्छा छात्र बनूंगा. आज से आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू बी बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं बन सकता, जो भी आप करो बेस्ट उसमें दो, राइट? और डेफिनेटली देखना, अगर आपने अभी अपना बेस्ट दिया तो आने वाला कल आपका बहुत अच्छा होने वाला है. बट इसके लिए जो सबसे पहली चीज है कि हम अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज करें, इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं. तो आज से एक पर्टिकुलर टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस इन आवर्स को कैसे मैनेज करते हो आउट ऑफ 24 आवर्स. मतलब ये है कि अगर आप, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर 2021, तो कम से कम अभी आपको 10 आवर्स की स्टडी करनी ही करनी होगी, कम से कम मैं बोल रहा हूँ. हाँ, अगर आप 22 कर रहे हैं तो यू कैन से 7 8 आवर्स, 6 7 आवर्स इज ऑन एन एवरेज चल जाएगा. बट अगर 21 आपका टारगेट है तो एनी हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर 10 to 11 आवर्स. तो उसके लिए कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन करो, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, इन दैट केस 5 to 6 आवर्स आपका रिजर्व हो जाता है और यू कैन से खराब हो जाता है क्लासेस देखने में, यहाँ क्लास देखा वहाँ क्लास देखा. तो ये मान के चलिए कि 5 to 6 आवर्स लगते हैं प्रैक्टिकली. जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. बिलीव मी, अगर नीट एग्जामिनेशन है, कोई सा भी एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है, तो उसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपको एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
ये तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो अपने डेली रूटीन में आप बिल्कुल टाइम टेबल बिठा लीजिए कि कम से कम 4 आवर्स देने हैं आपको फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और ये रोजाना देने हैं। आप टाइम टेबल बना लो कि मंडे को इस सब्जेक्ट को देना है, ट्यूसडे को इस सब्जेक्ट को देना है, या मंडे को ये सब्जेक्ट, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट, एंड सो ऑन। ये आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग बना लीजिए। बट वन थिंग इज श्योर कि इस 24 आवर्स की मैं बात करूं, इस 24 आवर्स में देखो, अगर आपने ये 5 ले लिया, मान लो ये 4 ले लिया, 9 + 1, कम से कम आपको 10 आवर्स की स्टडी आज से बिल्कुल करनी ही करनी है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, क्या डाउट है? आपका एक क्वेश्चन है कविता, यस प्लीज आस्क। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो यू कैन आस्क। इस सेशन का मतलब ये है कि मैं आपके डाउट भी लूंगा, राइट? तो डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। सेकेंड इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे रोजाना प्रैक्टिस करनी ही करनी है क्वेश्चन की, कुछ भी हो जाए, इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड इन योर नीट एग्जामिनेशन। एंड द लास्ट पार्ट इज रिविजन। एंड द लास्ट पार्ट इज रिविजन। वी ऑल नो द फायदे ऑफ रिविजन। देखो रिविजन से क्या होता है कि आप चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। अगर आपने आज बहुत अच्छे स्टडी किया, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन कर लिए मान लो, खुश हो गए, राइट? और इसको आपने 1 महीने तक रिविजन नहीं किया, तो 1 महीने के बाद ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको इस चीज से बचना है, अपनी जो आपने मेहनत की थी, इस मेहनत को और अच्छे से दिखाना है, इन दैट केस आपको रिविजन प्लान करना ही करना होगा। तो आप एक काम करिए, ये जो मैंने बताया ना, दिस इज फॉर 1 वीक, आप 1 वीक का प्लान कर लीजिए कि आप कौन कौन से दिन क्या क्या रिविजन करने वाले हैं। एंड देन डेली 10 आवर्स, मैं 7 डेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10 × 6, 10 × 6 कितने हो गए? 60 आवर्स। तो आपको मंडे टू सैटरडे 60 आवर्स देने ही देने हैं, और जो लास्ट है ना संडे, संडे को आप रिजर्व कर लीजिए फॉर रिविजन। जो भी आपने स्टडी करी है मंडे टू सैटरडे, आपको संडे को पूरा रिवाइज करना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेके, राइट? अगर आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 15 लाख बच्चे बैठते हैं, सोचो आप क्या अलग कर रहे हो, सभी बैठते हैं, सभी स्टडी करते हैं, यू मस्ट हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा अगर आपको उस रैंकर्स में आना है। तो उसके लिए रेगुलर एंड कंटिन्यूस स्टडी से ही आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो क्या डाउट थे फटाफट बता दीजिए। ओके, तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करें? ठीक है, टेस्ट कब से स्टार्ट करें? राइट राइट, एक सर मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा, जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो डाउट्स आप पूछ लीजिए। टेस्ट सर मैं ग्रंथ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं लिए लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया अक्टूबर में, और यूट्यूब से साथ पढ़ रही हूँ, मैं कोर्स में बहुत पैसे। देखो जिसके लिए 2022 है ना, मैं जो ये बता रहा हूँ, ये जो 10 आवर्स का रेगुलर स्टडी जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज फॉर 2021 एस्पिरेंट। बिल्कुल 21 के पास, उनके पास इतना टाइम नहीं है अब कि आपको 10 आवर्स की करनी ही करनी पड़ेगी। वो लोग झूठ बोलते हैं जो आपको बोलते हैं कि एक काम करो 7 घंटे पढ़ लो, हमारे ह्यूमन सिस्टम में 7-8 घंटे इज सफिशियंट। नो, आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये 7-8 घंटे करके कर पाए। हाँ, जिनके पास, जो दोज हुआ टारगेटिंग फॉर 2022, वो आप 7 to 8 आवर्स कर सकते हैं, इनफ है आपके लिए। इतना आप इफेक्टिव स्टडी कर लीजिए, आपके लिए इनफ है। बट 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए एनी हाउ आपको पर डे 10 आवर्स निकालने ही होंगे, और उसमें से 4 आवर्स आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? अब एक क्वेश्चन ये था कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना? काफी जेन्युइन डाउट है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो फिजिक्स की बात होती है, फिजिक्स फिजिक्स में वैसे मैं प्रैक्टिस सेशन चला रहा हूँ अभी, आई डोंट नो आप लोग को पता है नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रोजाना 7 PM पे, रोजाना 7 PM पे मैं टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं डेली। कहाँ पे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी क्लास अटेंड करो तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। इट्स अप टू यू कि अपने डेली टारगेट में, डेली रूटीन में, नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है रोजाना। कसम खा लो कि नहीं, मुझे करनी ही करनी है तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर आपको अच्छा करना है तो ये करना होगा, राइट? तो यू कैन फॉलो माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं होते। तो unacademy.com/supri10, यहाँ पे मैं टॉप 100 सीरीज चलाता हूँ हर सब्जेक्ट के, सॉरी हर सब्जेक्ट का मतलब हर चैप्टर के, फिजिक्स के हर चैप्टर के यहाँ पे सीरीज ये चल रही है, तो यू कैन ज्वाइन। जैसे आज की बात करूँ मैं, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ NLM, है ना? आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे 23rd जनवरी है ना, आज मैं स्टार्ट करूंगा NLM। फिर देखो कल होगा, मतलब संडे, तो संडे को गैप कर देते हैं क्योंकि संडे इज फॉर रिवीजन, जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया कि आप लोगों को भी संडे को रिवाइज करने हैं। संडे को आप गैप ले सकते हो, फिर मंडे से वापस लग जाइए। संडे को गैप लेने का मतलब है रिवीजन। संडे को कुछ नया नहीं स्टडी करना है, संडे को जो भी आपने किया है उसको रिवाइज करना है, अदरवाइज जो आपने कर रखा है ना वो भी वेस्टेज चला जाता है।
ठीक है, तो ये कैसे फॉलो करेंगे, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल करेंगे एंड देन आप जाएंगे फ्री लाइव क्लासेस एंड देन सुप्रीत सिंह यू विल फाइंड माई प्रोफाइल, इसको फॉलो करेंगे। और हाँ, जब आपने सुप्रीत 10 कोड लगाया ना, तो उसके बाद मेरे लेक्चर्स अनलॉक हो जाएंगे, फिर आप फ्री से देखो, फ्री में देखो कोई इशू नहीं है, राइट। चलिए, तो ये हो गया कि फिजिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ करें, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नाउ मोहिमी सिंह, ओके मोहिमी सिंह सर, मैं एक चैप्टर पढ़ती हूँ एंड PYQ करती हूँ उसके बाद। और देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि लाइक लोग जो बोलते हैं कि सर कहाँ कहाँ से क्या क्या स्टडी करनी होती है, मैं उसको बता दूं कि क्या सफिशियंट है नीट वाले एग्जामिनेशन के लिए। मैं एक फिजिक्स की अगर बात करूँ, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो पहली चीज जो क्लास नोट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स, जो भी आप टीचर से स्टडी करते हो, जो भी किस जिस भी टीचर से आप स्टडी करते हैं, उनके क्लास नोट्स आपको प्रॉपर मैनेज करने हैं, मतलब पूरे नोट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, सेकंड आप क्या करें कि उसके बाद PYQs उठा लो, PYQs उठा लो और देखो क्या PYQs सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। साथ में क्लास नोट्स के साथ में आप एक काम ये भी कर सकते हो, NCERT एक बार गो थ्रू हो जाइए, दिस इज जस्ट टू जस्ट क्रॉस चेक कि जो आपने स्टडी करी है वो सिलेबस में है या नहीं है, कितना पॉइंट आप कवर पा रहे हो। अगर NCERT पूरा आप नहीं स्टडी करते हो, तो NCERT के देखना, लास्ट में कुछ एक्सरसाइज होती है, लाइक ब्लू कलर की होती है, टॉप पॉइंट्स होते हैं, तो जिसमें शॉर्ट नोट्स होते हैं NCERT वाले, मतलब NCERT के बैक जो आप बुक ओपन करेंगे ना, तो पीछे आपको समरी मिल जाएगी, एक्चुअली समरी। तो आप सारे पॉइंट्स को, उस चैप्टर के समरी को जरूर देख लीजिए एक बार, राइट। उसके बाद NCERT के इंडेक्स को भी देख लीजिए और क्या क्या, जैसे एक बार पलटते जाओ पेज कि ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, वो आप कर लीजिए इतना, एंड क्लास नोट्स को अच्छे से करिए, एंड देन PYQs कर लीजिए आप। PYQs आपको पूरे करने हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें नहीं करना, ये नहीं करना। आप PYQs किसकी करनी है, तो अगर आपके पास टाइम है तो PYQs आप नीट के कर सकते हैं, राइट। और अगर टाइम मिल जाए, अगर टाइम मिल जाए तो जेई मेंस का कर लेना, नॉट एडवांस, एडवांस को टच मत करना, फिर से मैं बोल रहा हूँ एडवांस को टच भी मत करना। जेई मेंस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेई मेंस में भी आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं। इसका मतलब ये मत सोचना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, नहीं, उसके कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, मतलब नीट में आ जाते हैं या नीट वाले जेई में आ जाते हैं, राइट। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, सुनो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इन दैट केस यू कैन फॉलो दिस जेई मेंस। अगर आप अच्छे रैंक में लाना चाहते हैं, अगर आप जनरल लाना चाहते हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है, PYQs करिए, ठीक है। थर्ड आते हैं, कोई सी भी एक ऑब्जेक्टिव बुक उठा लो, कोई सी भी एक ऑब्जेक्टिव बुक उठा लो, उस ऑब्जेक्टिव बुक को कंप्लीट सॉल्व करो। बुक सॉल्व करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि बुक उठा के पूरा खत्म कर दे, नहीं, एक चैप्टर उठा लो। जैसे मैं बात करूं काइनेमेटिक्स की, एक चैप्टर उठा लो काइनेमेटिक्स, आप क्या करिए कि उस बुक को उठा लीजिए और उस बुक के सारे काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करिए। कभी गलती से ये मत करना कि इस बुक के काइनेमेटिक्स से 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरे बुक से उठाए उसके 10 क्वेश्चन कर लिए, इस बुक के उठाए इसके 10 क्वेश्चन कर लिए, ये कभी मत करना। काइनेमेटिक्स अगर आपने जिस भी बुक के उठाए सारे कर लीजिए, फिर दूसरे बुक में अगर आपको उठाना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप फ्री हो, बट कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठा लो और उसको कंप्लीट सॉल्व करो, ये आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं राइटर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अगर बनाता हूँ ना, जैसे मान लो मुझे 100 क्वेश्चन देने हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 20 क्वेश्चन किसी और कॉन्सेप्ट पे रखता हूँ, 10 क्वेश्चन किसी और कॉन्सेप्ट पे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता ही है। होता क्या है, जब आप सेलेक्टिव क्वेश्चन पिक करते हो, कभी 20 उठा लिया, 10 उठा लिया, 20 उठा लिया, 30 उठा लिया, तो कोई सा ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है जो रह जाता है, एक्चुअली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो रह जाएंगे, इसीलिए उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं उस पर्टिकुलर बुक के। आई एम होपिंग ये पॉइंट सबके क्लियर है। सारी बुक अच्छी होती है, बस कमी कहाँ होती है, हमें कमी होती है, हम किसी एक बुक को 100% सॉल्व नहीं करते। क्या मुझे यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस से बता सकता है कि उसने इस बुक के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ कर लिया हो? बिलीव मी, अगर कोई ऐसा बता सकता है तो एक बात श्योर है कि उसके नीट में अच्छे एग्जाम आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, कि अगर आपने किसी एक बुक के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ कर लिया, रटना कभी नहीं है। ये जो PYQs है ना, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे रट जाते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर ये होगा, नहीं, कभी नहीं रटना है, आपको कॉन्सेप्ट रटना है ना कि क्वेश्चन को, समझिए। उस कॉन्सेप्ट पे कभी भी कभी और गलती से कुछ रिलेटेड आ जाए कॉन्सेप्ट, या उस पे क्वेश्चंस आ जाए, तो आप उसको कर पाएंगे। चलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सर NCERT एग्जाम्पलर, अरे नहीं, NCERT एग्जाम्पलर इज नॉट फॉर नीट स्टूडेंट्स, राइट। आप ऑब्जेक्टिव वाले कर सकते हो उसके, बाकी फॉर वो जेई मेन्स लेवल होता है, तो आप चाहो तो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। कोई सी भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक,
उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पलर का लेवल जेई मेंस के ऊपर वाला लेवल हो जाता है, ठीक है। इवन कुछ कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी हो जाते हैं एग्जाम्पलर में, ठीक है। ओके सर, अच्छी रैंक के लिए एनसीईआरटी के अलावा भी बुक करनी जरूरी है? कविता, अच्छी रैंक के लिए भी मैं बता दूं, नॉट ओनली अच्छी रैंक, अगर आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। बिकॉज होता क्या है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, और अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव करने बैठ गए तो आपका टाइम खराब होगा, और उस टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे एग्जामिनेशन हॉल में। तो जिस भी पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्यों ना उसकी प्रैक्टिस की जाए। इसीलिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो भी चलेगा नीट के लिए। क्यों? क्योंकि नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव वाले की करनी होती है। ऑलराइट, डीसी पांडे, यस पिंकी, डीसी पांडे ले लो, या बीएम शर्मा की ऑब्जेक्टिव ले लो, या कोई और तीसरा एबीसी ले लो, या जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। और जैसा मैंने बताया, उस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस, काइनेमेटिक्स अगर मान लो उसमें 120 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको अपनी टेंडेंसी रखनी है, इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और क्या था, और क्या था, नीट एंड एम्स का कर लो तो ठीक है। नहीं नहीं देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, नीट और एम्स की अगर बात करें, अगर आप पीवाईक्यूज की बात करो, पीवाईक्यू से कभी उस पर पूरा डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग भी होते हैं। इसीलिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि सिर्फ पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट रहना इज नॉट गुड आइडिया। आप रह सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं मैच, नो डाउट होते हैं कॉन्सेप्ट मैच, बट अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से आ जाए, वो कभी नहीं होता। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप पीवाईक्यू पे सिर्फ डिपेंडेंट रहोगे नहीं रहोगे। तो आपको करना क्या है, एक बुक ऑब्जेक्टिव बुक कंप्लीट सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू कंप्लीट सॉल्व करने हैं, क्लास नोट्स, दैट इज इनफ। राइट, देखो आई कैन रिकमेंड अबाउट फिजिक्स बुक्स, है ना, बाकी सब्जेक्ट्स का ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है ना, क्योंकि मैं क्यों आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको बोल दूंगा कि केमिस्ट्री में ये कर लो वो कर लो, जिसका आइडिया ही नहीं हो, तो जो केमिस्ट्री वाले टीचर है वो आपको गाइड कर सकते हैं प्रॉपर कि कौन कौन सी बुक अच्छी है। वैसे ही जो मैथ्स वाले टीचर वो बता सकते हैं, बायो वाले टीचर आपको बता सकते हैं। आई कैन टेल यू अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई डाउट है बुक्स के रिगार्डिंग, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। ठीक है ठीक है, और कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट, एनी मोर डाउट, एनी मोर डाउट? तो आई एम होपिंग कि कैसे हमें स्टडी करनी है, ये आइडिया सबके क्लियर हुआ कि कैसे हमें स्टडी करनी है। तो आज से ही बिल्कुल अपने दिमाग बिठा लीजिए कि ये जो 10 आवर्स का शेड्यूल है, दिस इज 10 आवर्स शेड्यूल, ये प्रॉपर आपको फॉलो करने हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, होता क्या, रियल लाइफ का बता रहा हूँ मैं, कि हम आज सोच लेते हैं, हम आज मोटिवेट हो गए और हमने प्लान कर लिया कि दिन में सर मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। अब ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि वो 12 घंटे नहीं हो पाते, हमने क्या कर दिया, उसको 10 कर दिया, ठीक है। फिर अगले दिन वो 8 आवर्स हो गया। जैसे ही हमारे अंदर आ गया कि हमने स्किप कर दिया, तो हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि सब चलता है। फिर एक बार अगर आपने रूल को तोड़ दिया ना, फिर आप बार बार उस रूल को तोड़ते हो। आपको ये फील करना कि अगर आपने मान लो आपको उठना है सुबह 7 AM पे, प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, और डेली आपने स्ट्रिक्टली बता दिया कि मुझे 7 AM पे उठना ही उठना है। एक दिन आपने चलो ठीक है आज सो जाते हैं, अगले दिन सोचा चलो एक दिन और सो जाते हैं बाकी दिन करूंगा मैं, तो फिर वो आपके हैबिट में आ जाएगा। फिर आप कब 7 to 8 कब चेंज होगा टाइम, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप प्लान जो करेंगे, रियलिस्टिक प्लान करना। अभी अगर आपको 10 आवर्स नहीं लग रहा कि सर मेरे से 10 आवर्स नहीं हो रहा, तो आप 1-2 वीक के लिए इसको 8 आवर्स कर लीजिए, 7 आवर्स कर लीजिए, बट मेक श्योर कि जो भी आपने प्लान किया है उसको आप 100% फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ भी माइनस मत करना गलती से भी। और नेक्स्ट टाइम उसको स्लाइटली पुश करके उसको इंक्रीज करना। पहले दिन मैंने बोला कि आपने प्लान कर दिया, मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आपने प्लान किया उसको 100% आपको फॉलो करना है। ऑलराइट, तो एम आई क्लियर एवरीवन? एनी पर्टिकुलर बुक, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, आपकी सारी बुक अच्छी है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा बुक फॉलो करते हैं। मुझे बताइए, अब्दुल कलाम कितने घंटे सोते थे, किसी को पता है क्या अबाउट अब्दुल कलाम कितने घंटे सोते थे? जस्ट मैं एक जनरल बता रहा हूँ। तो एक्चुअली ये जो सोते थे ना, इनकी टाइमिंग थी कुछ अजीब सी टाइमिंग थी इनकी, 1 AM to 6 PM, मतलब एग्जैक्ट तो देखो किसी को नहीं पता, बट एक जो हम जनरल मानते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था 1 AM to 6 PM, इतने टाइम तक ये सोते थे। तो देखो ये 5 आवर्स सोते थे, तो मैं नहीं बोला कि आपको भी 5 आवर्स सोने हैं, बट हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आपने मान लो कि अपने रूटीन में डाल लिया कि आप डेली 6 आवर्स सो रहे हैं, या 7 आवर्स सो रहे हैं, या 5 आवर्स सो रहे हैं,
तो हमारी जो बॉडी होती है उसी टाइम टेबल को एडजस्ट कर लेती है, मतलब उसके बाद आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। और अगर आपने 10 घंटे सोने की आदत डाल दी, देखना 10 घंटे भी आपको कम पड़ेंगे, और आपको लगेगा 10 घंटे तो कम ही लग रहे हैं। आप इसको फील करना, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग, कि अगर आप 10 घंटे सोओगे ना तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी लगेगा चलो ठीक है सर 10 घंटे सो जाते हैं। आई एम होपिंग दैट कि आज से आप लोग टाइम टेबल बनाएंगे एंड देन इसको फॉलो करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो यू कैन, जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी लाइव क्लासेस। टाइमिंग है 7 PM, अभी आधे घंटे के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यू कैन ज्वाइन, और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा, डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। राइट, दिस इज हेलो फिजिक्स चैनल, भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। अगर आपको खुद के और कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, अगर आपको उसकी फीलिंग चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी कॉम्बैट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या होता है सर, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टेस्ट दे के आप अपनी रैंक पता कर सकते हो, और अगर अच्छी रैंक आ गई तो आपको वाउचर भी मिल रहा है, इंक्लूडिंग प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल एज अमेजन वाउचर। तो विन विन सिचुएशन है, मतलब अगर टॉप में आ गए तो प्राइस भी है, नहीं भी आते तो आपको एक रैंक पता लग रही है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो इसके लिए भी यू हैव टू अप्लाई सुप्री 10 कोड, ये कोड इंपॉर्टेंट है, सुप्री 10 कोड, इससे आप ये अनलॉक हो जाएगा, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराओ और टेस्ट दो और मजे करो। राइट, तो ये रहा इसका शेड्यूल, 28 क्वेश्चन होते हैं 75 मिनट्स में। राइट, ये रहा सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में हमारे बहुत सारे मल्टीपल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अभी मल्टीपल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिसको लग रहा हो कि फ्री क्लासेस से हमारा काम नहीं चल रहा, वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। एंड फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई सुप्री 10 कोड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। कभी भी आपने ये सुप्री 10 कोड लगा दिया तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि मेरा नाम सुप्रीत है, सुप्री 10 कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड दोज हुआ टारगेटिंग फॉर 2022, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दोज हुआ टारगेटिंग फॉर 2022 एंड 23, अनअकैडमी इज ऑफरिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, और यू कैन से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाता है, और वो पर्सनल कोच आपको थ्रू आउट हेल्प करते हैं एकेडमिक ईयर में। किस किस में चीजें में हेल्प करते हैं सर, तो पर्सनल कोच जो है, स्टडी प्लानर, कैसे आपको प्लान करनी है, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, सब कुछ आपको मिलता है। ये रही इसकी फीस, बट अगेन यू हैव टू अप्लाई द सुप्री 10 कोड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। जैसे ही आप लगाएंगे ना, यू विल फील द चेंज इन द प्राइस। राइट, तो आप इसके लिए भी प्लान कर सकते हो। राइट, चलिए, तो आई एम होपिंग आज से आप फॉलो करेंगे, ये कोड याद रखना, कभी भी सब्सक्रिप्शन का प्लान बने यू कैन यूज दिस कोड फॉर डिस्काउंट। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, एंड 7 PM पे आप लोग आ जाना, 7 PM पे ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल बाय यूजिंग दिस कोड, मैं वहां पे लिंक भेज दूंगा क्लास का, आप आ जाना फ्री ऑफ कॉस्ट। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।